हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमोल सक्सेना और आप देख रहे हैं सक्सेस इन्फिनिटी। दोस्तों, जैसा कि बिटसेट बहुत करीब आ चुका है, आज 16 तारीख हो चुकी है, बिटसेट के एग्जामिनेशन शुरू हो चुके हैं। तो आज मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाया हूं कि मान लीजिए आपके पास 2 से 3 दिन है बस आपके बिटसेट के पेपर में, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन सी चीजें हैं जो आपको रिवाइज करनी चाहिए, कौन सी चीजें हैं जो आपको छोड़नी चाहिए, जिनको आपको नहीं पढ़ना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, दिस इज ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच सम स्टूडेंट मिसेज। तो चलिए दोस्तों, इस पर हम बात शुरू करते हैं। आज मैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो वो वाली वीडियो नहीं दिखाऊंगा, हम डायरेक्ट बात शुरू करते हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो पहला पॉइंट, सबसे पहली बात दोस्तों, आपको उन सारी छोटी छोटी चीजों को याद रखना चाहिए जो कि बिटसेट में पूछी जा सकती है। अब वो छोटी छोटी चीजें क्या है? पहली चीज वो हो गए फॉर्मूले, दूसरी चीज वो होगी टर्मिनोलॉजीज, तीसरी चीज होगी आपकी रिएक्शंस जो आपकी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत भर भर के आती है। तो मैं आपको एक सिंपल सा सॉल्यूशन बताता हूँ कि आप कैसे इतने सारे फॉर्मूलेज, इतने सारे रिएक्शंस को याद रख सकते हैं और विद इन 2 डेज आप कैसे अपना पूरा का पूरा रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिजिक्स और मैथ्स के लिए तो आपको क्या करना है कि जो आपकी एनसीईआरटी है 11th 12th की, जो एनसीईआरटी है उसके पीछे आपकी समरी दे रखी है। उस समरी में अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी मैथ्स की खोल के, तो उसमें एक एक करके सारे फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे एक पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड। तो एक बार आप उनको पढ़ लीजिए, उनको याद कर लीजिए, उन फॉर्मूलेस को करके आपका बिटसेट की प्रिपरेशन का काम हो जाएगा। ऐसे ही आपको सेम टू सेम फिजिक्स के लिए भी करना है। फिजिक्स में जो पीछे फॉर्मूलेस दे रखे हैं उसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें भी दे रखी हैं, तो फिजिक्स और मैथ्स में तो आपका काम ऐसे हो जाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने वो पढ़ लिए आपका ज्यादा कुछ टाइम भी नहीं लगेगा, 5 से 7 मिनट लगेंगे, सारे के सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे और उस फॉर्मूले के बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आई गारंटी। उन सारे फॉर्मूले को अगर आप अच्छी तरह पढ़ लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री कि भाई केमिस्ट्री में कैसे करें हम रिवीजन। केमिस्ट्री में सबसे पहले आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शंस लिस्टेड हैं सारे चैप्टर्स में, आपके 4-5 जो चैप्टर्स है, एल्डिहाइड की रिएक्शन, कीटोन की रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड, जो जो रिएक्शंस है, एरोमेटिक कंपाउंड्स, सारी रिएक्शंस को एक बार याद कर लीजिए विद देयर नेम्स। कुछ कुछ रिएक्शंस का क्या नाम दे रखा है, कुछ स्पेशल नेम है, जैसे शिमिट रिएक्शन हुई या कुछ और रिएक्शंस होगी, तो उन सबको एक बार याद कर लें विद नेम्स, क्योंकि ऑर्गेनिक का पार्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है बिटसेट में। ऐसा बहुत सारे लोगों से मुझे रिव्यू मिला है, मेरे खुद के टाइम में अच्छा खासा पोर्शन केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में से आया था। इसके बाद जो इनऑर्गेनिक में जो रिएक्शंस हैं आप उनको याद कर लें, उनको भी याद करने के लिए आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आप याद रखें क्योंकि आपके पास 2 से 3 दिन है तो आप पूरा चैप्टर पढ़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना टाइम हमारे पास बिल्कुल नहीं है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें, यानी जो रिएक्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ, उनको पढ़िए, उनको याद करिए, बाय हार्ट कर लीजिए याद, ताकि आप भूले ना, क्योंकि वो डेफिनेटली आने वाली है आपके बिटसेट के पेपर में। उसके अलावा जो रिएक्शंस के ऊपर नीचे थोड़ा सा देखिएगा, हो सकता है कुछ कलर टेक्स्ट में उन रिएक्शंस का नाम या उससे रिलेटेड कुछ प्रोसेस का नाम दे रखा हो, तो उसको भी आप याद कर लीजिए। और ऐसे आपको फिजिकल में करना है, जो फॉर्मूलेज है फिजिकल में आपके ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूलेज ही होते हैं, जैसे आपके आयनिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड हो गए या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड हो गए या केमिकल काइनेटिक्स हो गए, तो फॉर्मूले कर लीजिए। तो दोस्तों आप इतना कर लीजिए, आपके आखिरी 2 दिन में आपका रिवीजन पूरा हो जाएगा, सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। और जहां तक बात है आपकी प्रैक्टिस की, तो जब आप ये कर रहे होंगे तो जब भी आपको थोड़ी बहुत बोरियत फील हो ना बीच में, तो आप उन क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लीजिए जो चैप्टर आपने पढ़ा है, जो मतलब जो रिवीजन आपने कराया ना समरी पढ़ के या रिएक्शन पढ़ के, उसके थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर पेपर में या सैंपल पेपर में से क्वेश्चन कर लीजिए। तो होगा क्या, आपका साथ में साथ में रिवीजन भी होता जाएगा और जो क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं मिड सेट में, उन टाइप की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी होती जाएंगी। तो दोस्तों चलिए, आई होप कि आपको वीडियो में से कुछ वैल्यूएबल चीज मिली होगी, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर मिड सेट एग्जाम्स। कोई और डाउट्स, कुछ और क्वेरीज, या आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लाऊं जल्दी से जल्दी, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में उसको लिस्ट डाउन कर दें, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पर जो मैंने नीचे लिख रखी है। तो चलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर।